वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2। और आज का हमारा टॉपिक है डोबराइनर ट्रायड्स। डोबराइनर ने सबसे पहले जो है एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन स्टार्ट की थी। आज के लेक्चर में हम डोबराइनर ट्रायड्स की इन डिटेल स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके इंट्रोडक्शन की स्टडी करते हैं कि इसके ट्रायड का इंट्रोडक्शन क्या है। डोबराइनर ने जो है वो 1829 में एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन स्टार्ट की थी। और डोबराइनर जो ये एक जर्मन केमिस्ट था। 1829 आ जर्मन केमिस्ट जोहान डोबराइनर ऑब्जर्व रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मैसेस ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ थ्री ट्रायड्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स कॉल्ड ट्रायड्स। डोबराइनर ने 1829 में थ्री एलिमेंट के सेवरल ग्रुप्स के जो एटॉमिक मैसेस थे उनके बिटवीन रिलेशनशिप की स्टडी की, एटॉमिक मैसेस की बिटवीन रिलेशनशिप की स्टडी की। डोबराइनर ने ये चीज ऑब्जर्व कर ली थी। उसने कहा था कि सम ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, यानी थ्री एलिमेंट के कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनकी सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। ही ऑब्जर्व दैट सम ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स शोड सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी थ्री एलिमेंट के कुछ ग्रुप्स हैं जो सिमिलर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। उन ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स को उसने ट्रायड्स का नेम दिया। अब ट्रायड्स क्या होते हैं? ट्रायड्स हम कहते हैं ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड ट्रायड। यानी ट्रायड थ्री एलिमेंट के वो ग्रुप्स होते हैं जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हो, थ्री एलिमेंट के वो ग्रुप जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हो उनको हम ट्रायड्स का नेम देते हैं। ये इसके डोबराइनर ट्रायड्स का इंट्रोडक्शन था। अब हम डिफाइन करते हैं इसके ट्रायड्स को कि किस तरह से इसने एटॉमिक मैसेस के बिटवीन रिलेशनशिप की स्टडी की, एलिमेंट के एटॉमिक मैसेस के बिटवीन किस तरह से इसने रिलेशनशिप की स्टडी की थी। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डोबराइनर ट्रायड्स, द सेंट्रल और मिडल एलिमेंट हैड एटॉमिक मास एवरेज ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। यानी कि एक ट्रायड में थ्री एलिमेंट्स हैं, उन थ्री एलिमेंट में जो सेंट्रल एलिमेंट है, सेंट्रल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो ट्रायड के बाकी दोनों एलिमेंट के एटॉमिक मैसेस का एवरेज है। इस तरह से डोबराइनर ने एटॉमिक मैसेस, एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेस के बिटवीन रिलेशनशिप की स्टडी की थी। अब फॉर एग्जांपल आपकी बुक में एक एग्जांपल भी गिवन है, या एक ट्रायड गिवन है डोबराइनर का, और वो ट्रायड है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। वन ट्रायड ग्रुप एग्जांपल इज दैट ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। द एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंशियम इज द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मैसेस ऑफ कैल्शियम एंड बेरियम। यानी इस ट्रायड में थ्री एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट है कैल्शियम और सेकंड एलिमेंट इसमें है स्ट्रोंशियम, थर्ड एलिमेंट इसमें बेरियम है। इन तीनों में से जो मिडिल एलिमेंट है वो स्ट्रोंशियम है। स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास 88 है। स्ट्रोंशियम जो ये मिडिल या सेंट्रल एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास 88 है। अब 88 कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मैसेस का एवरेज है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है और बेरियम का एटॉमिक मास 137 है। अगर हम दोनों के एवरेज लेते हैं तो ये 40 प्लस 137 इज इक्वल टू 177 डिवाइडेड बाय 2। 177 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 88.5। अब वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास 88.5 था या 88.5 के क्लोज था, उस एलिमेंट्स को उसने इन दोनों एलिमेंट के सेंटर में रख दिया। और इस तरह से सेंटर में रखने से इन तीनों एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज मैच हो गई। इस तरह से डोबराइनर ने डिफरेंट एलिमेंट के एटॉमिक मैसेस के बिटवीन रिलेशनशिप की स्टडी की थी। और यहाँ पे आपकी बुक में सिर्फ एक एग्जांपल या एक ट्रायड गिवन है डोबराइनर का। यहाँ पे इस डायग्राम में आपको डोबराइनर का टेबल नजर आ रहा है। इस टेबल में टोटल थ्री ट्रायड्स हैं। आपकी बुक में एक ट्रायड्स की एग्जांपल गिवन है और वो ट्रायड्स है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। इसके अलावा टू मोर ट्रायड्स भी थे इसके टेबल के अंदर। एक ट्रायड था लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अब अगर हम इन तीनों एलिमेंट के एटॉमिक मैसेस के बिटवीन रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है कि इस ट्रायड का जो सेंट्रल एलिमेंट है,
सेंट्रल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो ट्रायड के बाकी दो एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का एवरेज है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23 है। अब डोबराइनर ने एलिमेंट की जो क्लासिफिकेशन की थी उसमें उसने एटॉमिक मासेस लिए थे, एटॉमिक मासेस का यूज किया था, एटॉमिक नंबर का यूज नहीं किया। अब एटॉमिक नंबर का यूज क्यों नहीं किया उसने, क्योंकि तब तक एटॉमिक नंबर डिस्कवर ही नहीं हुए थे। इसने ये क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी 1829 में इंट्रोड्यूस करवाई थी, और जो एटॉमिक नंबर है वो तो 20 सेंचुरी में जाकर डिस्कवर हुआ था। तब तक जो है वो 19 सेंचुरी में सिर्फ एटॉमिक मैसेज डिस्कवर हुए थे, एटॉमिक नंबर डिस्कवर ही नहीं हुए थे। इसलिए एलिमेंट की क्लासिफिकेशन एटॉमिक मैसेज की बेसिस पे की गई। अब इसमें सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, 23 लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मैसेज का एवरेज है। अब इस टेबल में टोटल 3 कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं। फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट्स के नेम गिवन है, सेकंड कॉलम में इन एलिमेंट्स के मैसेज गिवन है, और थर्ड कॉलम में इनके एवरेज एटॉमिक मैसेज गिवन है। अगर हम लिथियम और पोटेशियम के एवरेज कैलकुलेट करें, लिथियम का 7 है प्लस पोटेशियम का 39 है, 2 पे डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू 46, 7 प्लस 39, 46 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर आएगा 23। जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास आ रहा था उस एलिमेंट को उसने डोबराइनर ने लिथियम और पोटेशियम के सेंटर में रख दिया, और वो सोडियम था, सेंटर में रखने से इन तीनों एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज मैच होगी। उसके बाद सेकंड ट्राइड की इसके टेबल में था क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसमें क्लोरीन और आयोडीन के जो एटॉमिक मैसेज का एवरेज है वो ब्रोमीन का एटॉमिक मास है, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है और आयोडीन का एटॉमिक मास 127 है। अगर हम इन दोनों का एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली 81 point something आता है, 81 point something एटॉमिक मास किसका होता है, यानी वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास 81 point something के इक्वल था या इसके क्लोजर था, उस एलिमेंट को इसने इन दोनों के सेंटर में रख दिया, और वो था ब्रोमीन। ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80 होता है, जो कि 81 के काफी क्लोजर है। इस तरह से इसने इन एलिमेंट के एटॉमिक मासेस के रिलेशनशिप के बिटवीन स्टडी की थी। और सेकंड जो लास्ट ट्राइड है, थर्ड ट्राइड, वो है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। इसका मैं आपको बता चुका हूँ इस ट्राइड का। अगर हम इसके पीरियोडिक टेबल में देखें या इसकी जो डेफिनेशन थी, डेफिनेशन ऑफ डोबराइनर की, तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फ्यू एलिमेंट्स भी अरेंज किया जा सका। बहुत सारे एलिमेंट ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर थी, लेकिन वो डोबराइनर के ट्राइड्स को फुलफिल नहीं कर रहे थे, यानी वो इसको फॉलो या इसको वैलिड नहीं कर रहे थे। यानी इसने जो स्टेटमेंट दी थी, इसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सिर्फ फ्यू एलिमेंट्स को ही अरेंज किया जा सका। इसके टाइम जब डोबराइनर ने ये क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो इसके टाइम में अप्रोक्सीमेटली 30 to 33 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। डोबराइनर के टाइम में 30 या 33 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, और इन 30 या 33 एलिमेंट से सिर्फ फ्यू एलिमेंट्स की ही इसने क्लासिफिकेशन की थी, यानी इसने अपने टेबल के अंदर सिर्फ फ्यू एलिमेंट्स को अरेंज किया था। अब बाकी एलिमेंट्स की भी स्टडी करना जरूरी है, तो बाकी एलिमेंट्स की इसने स्टडी नहीं की थी, बाकी एलिमेंट्स इसकी डेफिनेशन को फुलफिल या इसकी डेफिनेशन को वैलिड नहीं कर रहे थे। इसलिए कहा गया कि जो डोबराइनर ट्राइड है, यानी डोबराइनर की जो क्लासिफिकेशन है, ये 100% एक्यूरेट नहीं है। Only a few elements could be arranged in this way. This classification did not get wide acceptance.